सबसे पहले थैंक यू। ट्रेलर हमने देखा, ट्रेलर ऑसम है, बहुत सारी ट्रेलर में बातें की गई, कुछ नॉटी कुछ फनी। तो आप लोग बताइए कि कैसा है एक्सपीरियंस इस फिल्म फुल्लू के साथ में। लेडीज फर्स्ट। ओके, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था क्योंकि मैं कनेक्शन अपना जो है, मेरा कनेक्शन एज अ वुमन बहुत अच्छा रहा फिल्म के साथ, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज़ रिलेटेड टू वुमेन। तो एक तो वो रहा, बाकी टीम इतनी सुंदर थी और इतने खूबसूरत आर्टिस्ट के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो वो अपने आप में एक बहुत मेरे लिए उपलब्धि थी। जी बिल्कुल। जी, कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच। यस, इन बॉलीवुड, इन बॉलीवुड में आपका, मेरा भी इन बॉलीवुड। थैंक यू। इन बॉलीवुड में हिंदी फिल्म पहली है। हिंदी फिल्म जी, ये तो मतलब मजे हुए कलाकार। अरे तो आप बताइए, किस पे बर्तन मांजते हैं फिल्म, और ये ब्यूटीफुल एक्टर है और ये मजे हुए कलाकार है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा और हम लोगों के साथ सबसे अच्छा ये हुआ कि जिसको भी कहानी मतलब जैसी शारिब भाई को सुनाई तो अग्री कर गए, तो हमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ा, ज़्यादा घूमना भी नहीं पड़ा। ज्योति को सुनाई, ज्योति ने भी एकदम अग्री कर देगी, कंटेंट इतना अच्छा नहीं, हमें करनी है फिल्म। और इन लोगों ने ऐसे करा जैसे काम, जैसे हम लोग 2 साल से, मैं स्क्रिप्ट से उससे पहले से जुड़ा हुआ था, जैसे शारिब भाई जब आए उससे 2 साल पहले से हमारी तैयारी चल रही थी, बट शारिब भाई जब जुड़े तो उनको और हम लोग जब बात करते थे तो ऐसा लगा नहीं कि ये फिल्म मैंने अकेले ने सोची थी, ऐसा लगा कि ये नहीं यार, ये भी उतने इन्वॉल्व हो गए जितना कि हम इन्वॉल्व थे ऑलरेडी स्क्रिप्ट के अंदर। जी शारिब जी, आप बताइए कि आपके किरदार के बारे में तो पहले जानना चाहिए कि क्या कैरेक्टर। ट्रेलर में तो हमने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी चीज़ें आप खरीद रहे हैं, कैसा लगा आपको ट्रेलर? ऑसम। मेरा काम भी अच्छा लगा। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत मज़ेदार रहा इस फिल्म को करने में, राइट फ्रॉम द टाइम। मैं फिल्म की जर्नी तब से शुरू करता हूँ जब मैं पहली बार उसके बारे में सुनता हूँ और उसको स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ, तो तब से लेकर अब तक की जर्नी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग रही है। मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं बहुत खुश हो गया, बहुत मज़ा आया मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने में, क्योंकि ये बहुत मुमकिन था कि इस फिल्म का प्रीची होना, जो इस फिल्म का सब्जेक्ट है उसमें इसका प्रीची होने का बहुत ज़्यादा चांसेस था, बट जिस तरीके से शाहीन इकबाल साहब ने और अभिषेक सक्सान ने मिल के जो स्क्रिप्ट लिखी है वो बहुत एंटरटेनिंग तरीके से उन्होंने उसको कहने की कोशिश की है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात को। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही था। मैंने अपनी वाइफ को भी स्क्रिप्ट पढ़वाई, उनको भी बहुत अच्छी लगी, एक फीमेल पर्सपेक्टिव भी मुझे चाहिए था। शी लव्ड द स्क्रिप्ट और मैं तो इमीडिएटली पढ़ने के बाद तैयार हो गया था कि भाई ये तो करनीच है अपने को, करनीच। अच्छा, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं तो हम इनसे भी बातें करेंगे, लेकिन फिल्म का नाम फुल्लू क्यों सोचा आपने? फुल्लू नहीं, फुल्लू इसलिए है फिल्म का नाम क्योंकि जो हम कैरेक्टर है जो हमारा, वो क्या है कि बहुत ही जो लड़का एक मतलब यूपी के अंदर एक कहावत है, मतलब कोई भी अगर थोड़ा सा भी बेवकूफ़ी करता है या ढंग से काम नहीं करता तो माँ बाप उसको बोलते हैं भाई फुल्लू है, तो ये इस तरीके का कैरेक्टर, तो इसलिए हम लोगों ने कैरेक्टर नेम फुल्लू रखा और उसी का फिल्म का नाम रखा, ताकि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए सब चीज़ें, क्योंकि सैनिटरी पैड के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, मगर जो हमारा कैरेक्टर है वो एकदम फुल्लू है, जो कि बहुत हंसाएगा भी और रुलाएगा भी, सब कुछ करेगा। तो वो फुल्लू आप हैं? हम फुल्लू हैं जी। तो ऐसे वो फुल्लू वाला कौन कौन सा काम आप करते हैं, आप जरा हमें कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के फुल्लू बने हुए हैं आप, क्योंकि जैसा कि अभिषेक ने कहा कि हमारे नॉर्थ में जो थोड़ा सा जी देखिए, हाँ मासूम, ये जो कैरेक्टर है थोड़ा सा मासूम है, थोड़ा भोला है, थोड़ा नादान है, इसको औरतों की, फीमेल लोगों की संगत बहुत पसंद है, तो हमेशा ही मतलब ना वहाँ पे औरतों के साथ हंसी ठिठोली करता रहता है, औरतों के लिए अगर उनको कुछ सामान लेकर आना है तो वो सामान फ्री में लाकर दे देता है, तो इस किस्म का ये फुल्लू बंदा है एकदम। उसे गांव में एक और नाम से बुलाया जाता है कि मौगा, कि जो मतलब औरतों के साथ ज़्यादा बंदे जो रहते हैं ना उसको मौगा कहते हैं, तो मैं एक किस्म से उसमें मौगा बना हूँ, जो कि मुझे प्ले करने में बहुत मज़ा आया। और हाँ, फुल्लू वाली बहुत सारी चीज़ें की है जो मैं सब कुछ आपको अभी नहीं बताना चाहता, एक बार आप ज़रा सिनेमा घर में 16 जून को जाएंगे तो आप विस्तार से फुल्लू की फुल्लूपने को देखेंगे। ज्योति जी, ये फुल्लू कौन कौन से सामान आपके लाता है, हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरे लिए तो ये साबुन मेरे नहाने के लिए बड़ा लाता है, क्योंकि ये चाहता है इसकी बीवी जो है वो महकती रहे और हम दहकते रहे और ये बहकते रहे तो इसलिए मेरे लिए साबुन बहुत खरीदते हैं, ये खुशबूदार। तो मतलब इस ब्रांड मत पूछो, ब्रांड इसीलिए मैंने बोला नहीं, इसीलिए मैंने बोला खरीदने के लिए मतलब इन फुल्लू को कुछ मतलब उन्हें कन्विंस करना पड़ता है या कैसे? वो नहीं नहीं, वो तो वैसे ही जब वो तो पड़ोसी औरतों के लिए इतना काम करता है तो वो तो मेरे लिए तो करेगा ही। और ये मैं कहती नहीं, ये खुद ब खुद ही मेरे लिए ऐसी वाली शॉपिंग करते हैं। अच्छा, पड़ोसी के लिए आप ज्यादा काम करते हैं? सबके लिए करते हैं, सबके लिए करता है। इस वजह से माँ भी परेशान है पिक्चर के अंदर। वो कहती है कि बीवी जो है इसकी बिगनी वो नहाती रहती है साबुन से गरगड़ गड़ के और ये सूंघता रहता है। सूंघने का शौक बहुत है फुल्लू के पट्टे हैं। किस मर्द को नहीं होता? ये बात भी सही है, किस मर्द को नहीं होता। करेक्ट। ये बहुत ही आराम फरमा रहे हैं आप जी। किस पे? सैनिटरी पैड पे। हाँ, ये पोस्टर जब हमारे ये फिल्म की कहानी इसी है जो ऊपर से लेके नीचे तक दिखाई दे रहा है, पूरी कहानी इसी पर आधारित है। तो उसके ऊपर उसका किरदार लेटा हुआ है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो फिर तो मेरी बेटी ने जब पहली बार ये पोस्टर देखा, 3 साल की बच्ची है मेरी, तो उसने बोला कि डैडा डाइपर पे पॉटी नहीं करते सोते हैं, सॉरी डाइपर पे पॉटी करते हैं सोते नहीं है। तो इस तरह की चीजें भी ये फिल्मों में खरीदेंगे या आप बताइए आप क्या ये जो पैड है इस तरह की चीजें भी ये खरीदते हुए दिखाई देंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देंगे और हमारी कहानी उसी के ऊपर है, तो जरूर वो खरीदते हुए भी दिखाई देंगे और बांटते हुए भी दिखाई देंगे फिल्म के अंदर। ओके, एज एन वुमेन, एज एन लेडी, एज एन एक्टर, आपसे जानना चाहूँ इस तरह का जिस तरह का ये टॉपिक है कितना सही है आपके लिए? क्योंकि हमारे सिनेमा में आज भी लोग जैसा कि ट्रेलर में मैंने देखा है उसे प्लास्टिक में किस तरह पैंट को प्लास्टिक में देते हैं या फिर शर्माते हैं या अगर कहीं कुछ शर्माते हैं, तो इस तरह का जो टॉपिक है कितना सही है लोगों के सामने लाना? और कितना सही है मतलब मैं तो कहूँगी बहुत गलत है कि हम इतना लेट आए हैं। ऐसी फिल्में तो बहुत सालों पहले से बन जानी चाहिए थी और एक्चुअली पहले तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा हवा इस चीज़ को लेके होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि अक्सर हम किन चीज़ों को छुपाते हैं, या तो वो चीज़ें गलत हैं या वो बीमारी है, तो ये गलत चीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, ये इनफैक्ट एक इतनी खूबसूरत चीज़ है जो औरतों को भगवान की तरफ से दी गई है। इसकी वजह से सारी जनरेशन्स बढ़ती हैं, इस खून की वजह से ही तो हम जन्म दे पाते हैं और अगली पीढ़ी आती है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत अच्छा है और इनफैक्ट ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। आप भी मानते हैं? बिल्कुल 100% मानता हूँ, ऐसी फिल्में और बननी चाहिए और बन भी रही हैं, आपको भी पता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि इस चीज़ की अवेयरनेस जितने लोगों तक पहुँचे उतना बढ़िया है और अभी तक जो इसको ढांक कर छुपा कर रखा गया है, इतने सारे पर्दे उस पर डाले गए हैं न्यूज़पेपर के, एक पॉलीथिन, काले पॉलीथिन के, तो उन सबको फाड़ के फेंकना चाहिए और उसको बाहर सबके सामने लाना चाहिए और उसके बारे में हमको बात करनी चाहिए, अपने लोगों के साथ बात करनी चाहिए, अपनी फैमिली के साथ बात करनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए और हमने अपनी तरफ से एक छोटी कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि हम इसमें कामयाब होंगे। चलिए फिर से हम एक फिल्म की और एक लाइन यहाँ पे कि जो औरत का दर्द नहीं समझता भगवान उसे मर्द नहीं समझता। तो आप बताइए कि आप औरत के वो कौन कौन से दर्द है जो आप समझते हैं? औरत के बहुत सारे पिक्चर में मैं दर्द तो बहुत सारे हैं जो मैं समझता हूँ जब जैसे अरे वो बड़े अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। नहीं, बहुत कमाल है। नहीं, औरतों के बहुत सारे दर्द जो है मैंने महसूस किए हैं जब से शादी की है। उसके बाद में जो मर्दों को दर्द होते हैं वो भी मैंने महसूस किए हैं। मर्दों को भी बहुत किस्म के दर्द होते हैं, जब आपकी शादी होगी तब आपको पता चलेगा, अभी नहीं हुई है ना, इसीलिए। आप बताइए इस टैगलाइन से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मर्दों को इस तरह के दर्द से या जो लाइन है जो औरतों का दर्द नहीं समझता, तो औरतों के दर्द के बारे में हम कई बार हमने देखा है कि लड़के कहते अरे वो उसको मतलब बहुत सारी बातें होती है क्या, अरे वो क्या, अरे वो तो औरत है उसको किस चीज का दर्द, वो तो मतलब अब सहलेगी, वो तो सहलेगी। अब बताइए इस चीज़ से तो मैं बिल्कुल कनेक्ट कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि ऐसा है ही नहीं। और दूसरा ये है कि जो औरत का दर्द नहीं समझता भगवान उसे मर्द नहीं समझता। हाँ, और मैं इस बारे में एक्चुअली ये कहूँगी कि यार अगर कुछ कर नहीं सकते तो बढ़ाओ भी मत उसको, इस तरीके से मत ट्रीट करो कि अरे ये तो औरत है या अरे इसको तो पीरियड्स, अरे इसको तो ऐसे ये नहीं कर सकती या ये वो नहीं कर सकती। मैं कभी भी इस चीज़ को वो नहीं करती हूँ, बढ़ावा नहीं देती हूँ कि हम मर्दों से आगे हैं, हम बराबर हैं। जैसे भगवान ने एक आदमी पैदा किया है, बच्चा एक लड़का पैदा किया है, वैसे ही लड़की पैदा की है, तो वी आर ऑल आर इक्वल। तो इसको जो भी, जैसे देखो जब लड़की जवान होती है तो इसको पीरियड्स आते हैं, जैसे ऐसे ही जब लड़के जवान होते हैं उनमें के भी बॉडी में चेंजेस होते हैं, उनकी आवाज़ में चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे उनकी चीज़ों को, उनके बदलाव को बीमारी नहीं समझा जाता, वैसे ही हमारे बदलाव को बीमारी ना समझा जाए। दैट्स इट। आई थिंक ये जो बहुत अच्छी वो हर किसी को जाना चाहिए, बिल्कुल बात। और आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया। और एक सवाल ये प्रोड्यूसर से सवाल ये था, लेकिन अब आप क्योंकि यहाँ पर है, किस तरह की फिल्मों को कितने स्क्रीन में आप लोग डिसाइड कर रहे हैं या कितना स्क्रीन में ऑडियर करने की सोचा है? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। नहीं, बिल्कुल होती है छोटी फिल्मों को, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, मगर अभी थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट हमें मिल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम जितनी ज़्यादा स्क्रीन्स हो वो हमारे लिए भी फ़ायदा है और लोगों को, क्योंकि हमारा मैसेज पहुँचेगा सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है। तो करीब हम 400 से 500 स्क्रीन्स हम लोग सोच रहे हैं कि मिलनी चाहिए इस फिल्म को। तो हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मिले, आप कितनी मिलेंगी वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में, आपको पता ही है। एक प्रॉब्लम हमारी ये हो गई है कि जो जिस उद्देश्य के साथ हमने बनाई थी कि ये फिल्म फैमिली ऑडियंस देखें, ये फिल्म टीनेजर्स देखें, लड़कियाँ देखें, इस फिल्म को CBFC ने A सर्टिफिकेट दे दिया है, जो हमारे लिए बहुत दुखदाई चीज़ है, क्योंकि इस फिल्म को सबको क्या मतलब खास तौर पे उन लड़कियों को जाना चाहिए जो अब जवान हो रही हैं। जब सैनिटरी पैड्स के TV कमर्शियल्स पूरा दिन चल सकते हैं, तो फिर हमारी फिल्म तो उसके बारे में और एजुकेट कर रही है, तो हमारी फिल्म को ये सर्टिफिकेट क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि आप डायरेक्टर हैं तो कुछ मैसेज नहीं, बिल्कुल हम उनको बस ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वो हमारी फिल्म दोबारा रिकमेंड करें देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, अब फिल्म एकदम रिलीज पे है, तो हम इसलिए उस चीज़ को छेड़ना भी नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी फिल्म अटक जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड बजट के साथ आते हैं, और वो भी खासतौर से ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जब उनको पता होता है कि यार रिकवरी होना बहुत मुश्किल है, लोग पता नहीं पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। सो ऐसे में क्या होता है कि जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है। तो हम अभी इस समय ऐसी पोजीशन पे नहीं है कि प्रोसेस वो जल्दी हो जाए, और वो हमारे लिए जल्दी नहीं होगा प्रोसेस। चलिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप लोग अपने व्यूअर्स को? 16 जून को फिल्म रिलीज हो रही है। अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाएं और ट्रेलर देखें और गाने देखें और जब आप ट्रेलर देखेंगे तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड श्योर कि आप लोग फिल्म देखने जरूर जाएंगे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि जो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है एक अवेयरनेस का, क्योंकि हमारी फिल्म भी अवेयरनेस के ऊपर है कि जो लोग गांव में अभी तक सैनिटरी नैपकिन को नहीं जानते, ऐसा भी बहुत बड़ा एक 60% के आसपास औरतें हैं जो सैनिटरी नैपकिन नहीं जानती हैं, तो वहाँ तक वो मैसेज पहुँचे। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते तो आप ये फिल्म देखें, आप लोग जो समझते हैं वो आगे तक उसको कन्वे करें। तो 16 जून को फुल्लू ज़रूर देखें थिएटर में।